हेलो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है निकीज कुकिंग कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं इंस्टेंट खीर मिक्स। ये खीर जितना जल्दी बनकर तैयार होता है, ये खाने में उससे कहीं ज्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स, हम इसमें ड्राई फ्रूट्स केवल पिक लेने के लिए डाल रहे हैं। आप इसे बिना ड्राई फ्रूट्स के बनाइएगा, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स और इलायची पहले से ऐड होते हैं। इस खीर मिक्स के बारे में हर कोई नहीं जानता है फ्रेंड्स, इसलिए आज हम आपसे ये शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस खीर को बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गरम कर लेते हैं, और जब कढ़ाई गरम हो जाए तो उसमें एक चम्मच घी डाल देते हैं, और जब घी मेल्ट हो जाए तब हम उसमें डाल देते हैं खीर मिक्स। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो खीर मिक्स पहले से थोड़ा सा रोस्टेड होता है, पर इस तरह से अगर हम घी में इसे भून कर बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। फ्रेंड्स, आप भी इस खीर मिक्स को जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस खीर मिक्स को एक बार बनाकर खाते हैं तो आप इसे बार बार बनाकर खाना चाहेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट कभी ना भूलने वाला टेस्ट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसका कलर हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है, और इसे भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। तो इसी तरह से हम इसे 1 मिनट तक और रोस्ट कर लेते हैं। तो अब 1 मिनट हो चुके हैं और इस खीर मिक्स का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। फ्रेंड्स, हम यहाँ 1/2 लीटर दूध का खीर बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा दूध और भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस खीर को बनाने के लिए दूध और खीर की कोई क्वांटिटी नहीं है, वो थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। हम यहाँ 1/2 डब्बे का खीर बना रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हल्का हल्का सा उबाल आने लगा है। तो अब हम इसे चलाते हुए कुछ देर पका लेते हैं, और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा ठीक न हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें काफी उबाल आने लगा है, तो हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये खीर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और इसमें थोड़ी थोड़ी थिकनेस भी आने लगी है। तो अब हम गैस फ्लेम को लो कर देते हैं, और लो फ्लेम पर भी इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। तो अब इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए ये काफी थिक भी हो चुका है। तो अब हम यहीं पर चीनी डाल देते हैं। ये कटोरी हम यहाँ चीनी डाल रहे हैं, और इसे लो फ्लेम पर ही कुछ देर चला लेते हैं जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी मेल्ट हो चुकी है, और ये खीर भी हमारा तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर खीर को तुरंत गर्मा गर्म ही खाना है तो आप इसी थिकनेस में रहने दीजिए, और इसे कुछ देर बाद खाना है तो इसमें गर्म दूध डालकर इसे खा सकते हैं, क्योंकि खीर जब ठंडा होता है तो वो जम जाता है। तो अब खीर हमारी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, तो अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये खीर हम आपको उठाकर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये लग रहा है ना बहुत ही डिलीशियस। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने इस खीर में ना कोई ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और ना ही चावल डाले हैं, और ये खीर भी बनकर बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ जिस खीर को बनाया है वो ये है, ये रुचि का खीर मिक्स है। ये बहुत महंगा भी नहीं मिलता है। ये देखिए, ये यहाँ प्रिंट है। तो अब हम यहाँ आपको इसे ओपन करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए, इसमें ड्राई फ्रूट्स, इलायची और बहुत सारे डिजाइन्स बने हुए हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।